बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। देखिए चीजों की भौगोलिक स्थिति को समझिए। हमारा भारत इतना बड़ा देश है जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं और इस देश को चलाने के लिए जो तंत्र काम करता है सिर्फ चार चीजों से पूरा देश टिका हुआ है। वो चार चीजें कौन सी है? पहला है विधायिका, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड कमिश्नर हो, विधायक हो, सांसद हो, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसको विधायिका कहते हैं। और दूसरा जो है कार्यपालिका, जो उस कार्य को, इनका काम है कानून बनाना, चीजों को लोगों की सहमति से जो सर्वमान्य है उस तरीके से कानून बनाना, चीजों को लागू कराना और उस चीजों का संचालन करने का काम कार्यपालिका का है, जो बनाई हुई चीजों को उसको क्रिया कर रहे हैं, काम करके उन चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तीसरा है न्यायपालिका, कि इन कामों में अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उसमें न्याय देने के लिए इस देश के अंदर में सिस्टम में न्यायपालिका का भी निर्माण किया गया कि जहां लोगों को, जहां इनजस्टिस हो रहा है वहां न्याय मिल सके। और इन तीनों चीजों पे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों चीजों पे नजर रखने के लिए जो सबसे मजबूत आधार है वो चौथा स्तंभ, वो है मीडिया, प्रेस, जो इन चीजों पे नजर रखता है कि जो कानून बनाई गई है, जो काम हो रहे हैं उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, काम में दिक्कत हो रही है, समस्या आ रही है, सरकार क्या कर रही है, विधायिका क्या कर रही है, इन तमाम चीजों पे नजर रखने के लिए बहुत ही मजबूत स्तंभ है मीडिया। ये चार चीज मिलकर इस देश को, अगर इन चारों चीजों को अगर मजबूत कर दिया जाए और चारों अपने अपने काम को, अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करने लगे, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, कोई भी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अपने काम को जिस मकसद से आए हैं उस मकसद को कैसे पूरा हो उनके लिए अगर लग जाएं, जीवन में हर लोग चाहेगा कि ऐसे लोग आएं और अच्छे लोग आएं। कार्यपालिका जहां कार्यालय में बैठ के जहां काम हो रहे हैं वहां उसका संचालन अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, अच्छे तरीके से होने लगे, लोगों को उसका लाभ सही तरीके से मिलने लगे। इन सारी चीजों को अगर अच्छे तरीके से होने लगे, लोगों को अच्छे से न्याय मिलने लगे, तो ये सब सिस्टम कैसे सुधर सकता है, ये मीडिया कैसे सुधर सकता है, ये किसी के आरोप या प्रत्यारोप से इसमें कुछ बदलाव नहीं आ सकता है। बदलाव आ सकता है तो सिर्फ आत्म चेतना से, मॉरलिटी से, नैतिकता से, कि जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, और कोई भी चीज यहां लंबे समय तक नहीं जीने वाले हैं, सबको एक दिन जाना है, ये तय है। तो ये पृथ्वी एक रंगमंच है, इस पे हर लोग अपने अपने तरीके से काम करके और समाज के लिए, देश के लिए, स्वयं के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन अगर ईमानदारी से करें तो इस देश को और इस सिस्टम मजबूत होगा और इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत।